विधायक दल के नेता के रूप में चंपाई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उनको ओथ कराएं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से लगातार एक किया जा रहा था, आज उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपाई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ परेड कर पाएंगे। नहीं, बुलाना ही है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई घर की बात थोड़ी जो है, जो भी करना है ठोक के करना है और सबको अपना अपना दायरा पता है। नहीं देखिए, कोई सहमति आप लोगों की वो कहानी थी, काल्पनिक कहानी कल्पना जी के बारे में। पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन जी को, माननीय चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हुआ है जी। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई है या हिरासत में है? अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में है, मंत्रीगण साथ में है जी। महुआ जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री से सुबह से पूछताछ चल रही थी, उसके बाद वो राजभवन आए इस्तीफा सौंपने, इस्तीफा देंगे क्या मुख्यमंत्री जी? ऐसी सूचना तो है, अभी हम लोगों से वो मिल नहीं पाए हैं, लेकिन यही बात आ रही है जी। आप लोगों के साथ विधायक भी जा रहे थे राजभवन में, लेकिन विधायकों को जाने? हाँ, उनका अभी टाइम, अभी 5 लोगों का ही की बात हुई थी, तो शायद इस्तीफे के बाद सबको जाने के लिए दिया जाएगा। तो क्या विधायक दल के मीटिंग में चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री का अगला मुख्यमंत्री वही है? जी, यही निर्णय हुआ है कि चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये शपथ ग्रहण का कोई समय तय नहीं, अभी ये सब बात नहीं हुई है जी। नहीं, ये जो समर्थन पत्र है आप लोगों ने राज्यपाल को सौंपा है? नहीं, उसको सौंपने के लिए ही जाना चाह रहे थे लोग, लेकिन अभी फिलहाल सब लोग वेट कर रहे हैं। सारे विधायक, हमारे पास संख्या बल पूरा है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है। अंदर गए हैं जी, शायद ऐसी सूचना आ रही है।